मुरादाबाद के थाना भोजपुर में राजकीय महाविद्यालय का विधायक शमीमुल हक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक शमीमुल हक ने भोजपुर में हो रहे निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और गरीबों की मदद कर उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाते आए हैं और आज अपने क्षेत्र में महाविद्यालय की कमी को भी पूरा कर दिया है। साथ ही उनके बेटे कसीमुल हक ने कहा कि शिक्षा के बिना हर इंसान आधा है और हम शिक्षा के हमेशा बढ़ावा देते आए हैं। बच्चों को मुरादाबाद पढ़ने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अब किसी को मुरादाबाद जाने की जरूरत नहीं है। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय 11 करोड़ 70 लाख की लागत से बनाया गया है, फिर भी विद्यालय में खेल के मैदान की कमी है, तो विधायक शमीमुल हक ने जल्द ही इस कमी को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक शमीमुल हक, कसीमुल हक, जिशान नसीम चेयरमैन, तंजीम सकलैनी, शराफत उकरैन भैया जी, एडवोकेट सईद, यासीन मरगूब, समाजसेवी बाबू आदि मौजूद रहे। भोजपुर से SPN के लिए मोहम्मद मोहसिन अंसारी की रिपोर्ट। वैसे तो हमारे परिवार में 35 साल से विधायक बनते चले आ रहे हैं। चार बार हमारे बड़े भाई के चारों बार विधायक है, उनके ऐसा देता पश्चिमी उत्तर कोई नहीं बनता, लेकिन ये बहुत बड़े क्लब के विधायक हैं। अपने जो हमारे भाई बहन पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, परेशान होते थे, उनके दुख दर्द को समझा है। इसीलिए इस डिग्री कॉलेज पर निर्माण यहाँ पर कराया, उस पर 14 करोड़